एवरीवन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है VDRL टेस्ट का प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, तो आज हम VDRL टेस्ट को पढ़ेंगे कि VDRL टेस्ट क्या है, किस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए VDRL टेस्ट करते हैं और कौन से बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं, और VDRL जो टेस्ट है वो पॉजिटिव कब आता है और फॉल्स पॉजिटिव कब आता है, VDRL टेस्ट का क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो VDRL क्या है हमारा? VDRL की फुल फॉर्म है विनेगर्स डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो एक नंबर में जरूर पूछा जाता है दो नंबर में कि VDRL व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDRL, तो विनेगर्स डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, ये जो VDRL है वो एक टेस्ट है। क्या है? एक टेस्ट है वो सिफिलिस को देखने के लिए, सिफिलिस एक बीमारी है उसको देखने के लिए VDRL टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, सिफिलिस को देखने के लिए VDRL टेस्ट करते हैं। और सिफिलिस कैसे पता लगेगा कि भाई इसमें सिफिलिस बीमारी है या नहीं है? तो सिफिलिस जो है वो किसके कारण होगा? अगर जो पेशेंट है उसकी बॉडी में ट्रिपोलियम पैलेडियम बैक्टीरिया है तो उसके कारण जो ये सिफिलिस डिजीज है वो होगी। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? ट्रिपोलियम पैलेडियम। इसकी शेप ऐसी होती है, स्प्रिंकल ऐसी शेप होती है। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तब उसकी शेप। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? पेंट्रेट करता है, मतलब घुस जाता है, पेंट्रेट कर जाता है जो जेनिटल एरिया है, मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन जो है वहां पे पेंट्रेट कर जाता है और माउथ में पेंट्रेट कर जाता है। तो जो VDRL टेस्ट है वो हम क्या करते हैं? सिफिलिस को देखने के लिए VDRL टेस्ट करते हैं। कौन से बैक्टीरिया डिटेक्ट करते हैं, मतलब किस बैक्टीरिया के कारण सिफिलिस होता है? ट्रिपोलियम पैलेडियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब प्रिंसिपल पे आते हैं। प्रिंसिपल में क्या है, जब हम देखो अब पेशेंट आया हमारे पास तो हमें क्या करना होता है, उसका सैंपल लेंगे, वेन पंचर से सैंपल लेंगे यहाँ से। ठीक है, प्लेन ट्यूब में सैंपल लेने के बाद उसमें सीरम सेपरेट करेंगे। तो जो सीरम आया है उससे हमें क्या करना है, उस सीरम का हमें हीट कर देंगे, उस सीरम को हीट कर देंगे। क्यों हीट कर देंगे? ताकि वो सीरम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाए। इनएक्टिवेटेड फॉर्म क्या होता है कि उसमें जो अदर एंटीजन की एक्टिविटी है वो फिनिश हो जाए, मतलब जो इंटरफेयर ना करे हमारी रिएक्शंस के साथ। ठीक है, तो जब हीट करते हैं पेशेंट का सैंपल को, उसकी रिएक्शंस करवाएंगे, मतलब जो हीट किया हुआ जो इनएक्टिवेटेड सीरम है, मतलब उसमें और अदर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, अदर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, तो वो हमारा रिएक्ट करेगा नॉन ट्रिपोलियम एंटीजन के साथ। ठीक है, वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा उसके अगेंस्ट क्या हमें रिजल्ट शो होगा? फोगुलेशन शो होगा। ठीक है, फोगुलेशन एग्लूटिनेशन की ही जैसा होता है कि एग्लूटिनेशन में फटाफट फील होता है, फोगुलेशन में भी। ठीक है, तो हमें फोगुलेशन शो होगा और उस फोगुलेशन को हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे या फिर सिंपली हम नेगड़ाई से भी देख सकते हैं अगर स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव है तो। ठीक है, तो इसमें पहला क्वालिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव में जिसमें वैल्यू नहीं पता लगता, हमें सिर्फ ये पता लगता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वालिटेटिव हमें बताता है पॉजिटिव नेगेटिव को, क्वांटिटेटिव उस पॉजिटिव की वैल्यू बताता है या फिर नेगेटिव की वैल्यू बताता है। मतलब क्वांटिटेटिव टेस्ट हमें वैल्यू देता है कि भाई इतना स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है, एंड क्वालिटेटिव हमें पॉजिटिव नेगेटिव बताता है। ठीक है, तो पहले हमें क्वालिटेटिव मेथड देख लेते हैं। ये कई बार आ जाता है कि राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ VDRL टेस्ट बाय स्लाइड मेथड, तो हमें ये वाला लिखना होता है। हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट का सीरम इनएक्टिवेटेड फॉर्म में लाएंगे। और वो कैसे लाएंगे? हम पेशेंट को सीरम को हीट करेंगे वाटर बाथ में। कितने डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर रखेंगे? 56 डिग्री सेल्सियस, और 30 मिनट के लिए उसे हीट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो VDRL मतलब ये हीट कर दिया, तो इसमें
अदर कॉम्प्लीमेंट जो है वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अदर जो रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे वो हमें रिमूव करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक ड्रॉप लेंगे किसकी, जो हमें सिर्फ इनएक्टिवेटेड फॉर्म में तैयार किया है उसकी लेंगे, ठीक है। और एक हम ऐसे होती है मीडिया एलर्जी किट, ठीक है। एक ही सैंपल टेस्ट वाला होता है, एक पॉजिटिव वाला होता है और एक नेगेटिव कंट्रोल, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल किट के साथ आता है, पॉजिटिव कंट्रोल भी नेगेटिव कंट्रोल भी टेस्ट हमें रिजल्ट देता है। तो हमें क्या करना है कि टेस्ट स्पेसिमेन, मतलब जो स्पेसिमेन है सैंपल है उसकी 50 माइक्रोलीटर हमें जो बीडीआरएल की स्लाइड की बॉल्स है उसमें डाल लेंगे एक में, ठीक है, और दूसरे में पॉजिटिव कंट्रोल डाल लेंगे और तीसरे में नेगेटिव कंट्रोल डाल लेंगे, ठीक है, जो बीडीआरएल स्लाइड की बॉल्स है उसमें। या तो हम एक ड्रॉप डाल सकते हैं, पर जो सीरम है उसको 50 माइक्रोलीटर से पिट से डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो हमने क्या डाल दिया है, हमें देखो बीडीआरएल जो है वो हमें किस बैक्टीरिया के कारण होगा, ट्रिपोलियम पैलेडियम के कारण होगा। तो उस बैक्टीरिया जब कोई बीमारी आई बाहर से, ठीक है, तो वो बीमारी क्या लाई, एंटीजन लाए, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। तो जो सिफिलिस टेस्ट है उसमें हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, मतलब पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे। और वो दो तरह की एंटीबॉडी है, कौन सी, एक तो ट्रिपोलियम इसकी ट्रिपोलियम पैलेडियम एंटीबॉडी है और एक ट्रिपोलियम एंटीलिपोइड एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीलिपोइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें लिपिड जो एंटीजन आया उसके अगेंस्ट जो बॉल्स है उसके अगेंस्ट जो लिपिड है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है वो होगी एंटीबॉडी एंटीलिपोइड एंटीबॉडी, ठीक है, ट्रिपोलियम एंटीबॉडी। तो अब ये दो चीजें, ये दो एंटीबॉडी को डिटेक्ट हम करते हैं, तो हमें एंटीबॉडी तो पेशेंट के सीरम में मिल जाएगा जो हमें सीरम डाल दिया है। अब हमें क्या डालना है, जो किट के साथ एंटीजन स्पेसिमेन आया है वो आया सस्पेंशन, वो डालना है। तो तीनों में एक एक ड्रॉप हम क्या डाल देंगे, एंटीजन सस्पेंशन की डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेटर स्टिक लेंगे, इसको मिक्स करेंगे। पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल हमें ये बताता है कि हमारी किट या हमारा रिजल्ट ठीक है या नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रोल में पॉजिटिव आनी चाहिए वैल्यू, नेगेटिव कंट्रोल में नेगेटिव आनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, एप्लीकेटर स्टिक से हमें इस बॉल को भी मिक्स कर देंगे, इसको भी और इस बॉल को हमें 180 आरपीएम पे मैनुअली रोटेट करेंगे हाथ से, ऐसे जैसे ये स्लाइड है उसको हाथ से रोटेट करेंगे ऐसे धीरे धीरे। तो ऐसे धीरे धीरे हम उसको रोटेट करेंगे, ऐसे जैसे स्लाइड है तो उसको धीरे धीरे ऐसे रोटेट करेंगे 180 आरपीएम पे, ठीक है, ओ 4 मिनट के लिए। तो उस 4 मिनट के बाद हम उसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर उसमें फोगुलेशन देखेंगे कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर उसमें फोगुलेशन या डिस्प्रेस पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, कुछ परसेंट फोगुलेशन दिखाई दे रहे हैं, तो वो वीकली रिएक्टिव है। अगर स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव हुआ तो फोगुलेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखाई देगा उस स्लाइड में, ठीक है। उस फोगुलेशन को हम अंडर माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं 10x पे, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्लाइड प्रोसीजर है। अब हम टेस्ट ट्यूब वाला प्रोसीजर देखते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव वैल्यू पता लगते हैं हमें कि कितना पॉजिटिव है, वो चीज़ें हमें पता लगता है। तो वो हम आगे की इसको रब करके बता, क्वालिटेटिव टेस्ट बना था, पॉजिटिव नेगेटिव पता लगाया था। अब हम वैल्यू पता करेंगे कि वो जो हम टेस्ट डिटेक्ट कर रहे हैं तो उसमें उस बीमारी जो सिफिलिस है या फिर कोई भी डिजीज है तो वो कितनी उसकी स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव है, मतलब कितनी हाई वैल्यू है उसकी, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में वैल्यू पता करते हैं। तो इसमें प्रोसीजर को समझने से पहले आप एक बार डायग्राम के अंदर से समझो कि हमें सबसे पहले क्या करना है, 6 ट्यूब ले लेंगे, ठीक है, 6 ट्यूब ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है।
तो जो पहले वाली ट्यूब है हमें उसमें क्या डालना है, 0.1 ml हमें पेशेंट का सीरम डालना है। कौन सा सीरम, जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, वो हम वाटर बाथ में हीट करेंगे उसको 56 डिग्री सेल्सियस पे, तब होगा। ठीक है, तो 0.1 ml हम पेशेंट का इनएक्टिवेटेड सीरम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस ट्यूब में पहले में। और क्या ऐड करेंगे, एनएस नॉर्मल स्लाइन। नॉर्मल स्लाइन कितने ऐड करेंगे, 0.1 ml। 0.1 ml ही हमें सीरम लेना है इनएक्टिवेटेड फॉर्म वाला, ठीक है, और 0.1 ml ही हम उसमें नॉर्मल स्लाइन लेंगे। ठीक है, तो पहली ट्यूब ये तैयार हो चुकी है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को, जो सीरम और नॉर्मल स्लाइन का जो मिक्सचर है, बफर जो यूज कर रहे हैं एज ए नॉर्मल स्लाइन, उनका मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस ट्यूब में से उठाएंगे कितना सीरम, हम रिपीट नहीं करेंगे, सीरम पहले ट्यूब में ही लेंगे और ट्यूब में सीरम रिपीट नहीं करेंगे। देखो लास्ट तक अगर ट्यूब में पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें तो सीरम की वैल्यू बहुत ही कम गई है, फिर भी पॉजिटिव है, तो मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है। ठीक है, तो सीरम हमें नहीं डालना, हर बार डाइल्यूशन करना है। तो हमें इस सॉल्यूशन का, देखो जो पहले वाली ट्यूब है उसका जो सॉल्यूशन बना था सीरम और एनएस का, उसे हमें दूसरी वाली ट्यूब में डाल लेंगे कितना, 0.1 ml, और 0.1 ml ही एनएस डालेंगे। एनएस हर ट्यूब में डलेगी, एनएस हर ट्यूब में डलेगी। जैसे 0.1 ml को हम 100 μl भी बोल सकते हैं, तो 0.1 ml हमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे जो इस सॉल्यूशन का मिक्सचर है जिसमें सीरम भी है और नॉर्मल स्लाइन भी है। ठीक है, सीरम हम और ट्यूब में नहीं डालेंगे, इनका ही मिक्सचर डालेंगे। तो इसमें से सीरम तो मिल गया क्योंकि इनका मिक्सचर था, सीरम मिल गया और नॉर्मल स्लाइन डाल देंगे। इसमें भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जो मिक्सचर आएगा उसको हमें इसमें डालना है और नॉर्मल स्लाइन डालना है 0.1 ml। इसका जो मिक्स आएगा वो इसमें डालना है और 0.1 ml हमें क्या करना है, नॉर्मल स्लाइन ऐड करनी है। इसी तरह इसका जो मिक्सचर आएगा सॉल्यूशन का, उसको हम उसमें उठाना है 0.1 ml, और हमें 0.1 ml ही एनएस लेंगे। इसी तरह इसका जो मिक्सचर है उसको उठाना है 0.1 ml, और उसी तरह हमें 0.1 ml ऐड कर लेंगे क्या, नॉर्मल स्लाइन। आप ऐसे भी समझ सकते हो टेबल की मदद से। देखो यही सेम प्रोसीजर रिपीट होता है एएसओ में भी, ठीक है, एएसओ में, सीआरपी में, यही क्वालिटी क्वांटिटेटिव वैल्यू में एक ऐसे बना सकते हो आप टेबल। ठीक है, तो एक साइड तो हमारा है, क्या है, नॉर्मल स्लाइन। ठीक है, नॉर्मल स्लाइन एक साइड, ऐसे टेस्ट ट्यूब बन रहे हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, नॉर्मल स्लाइन हर एक में डाल रहे हैं, 0.1 ml इसमें भी, 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 और 0.1 ml इसमें भी, चार ट्यूब लेने हैं। सेम ये प्रोसीजर हम एएसओ में भी करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल स्लाइन हर एक में लेना है। ठीक है, अब हमें सीरम सैंपल की बात आती है, सीरम, तो सीरम सैंपल हमें इसमें डालना है सबसे पहले, फिर इनमें डाइल्यूटेड फॉर्म में डलेगा इसका जो मिक्सचर है इन दोनों ट्यूब का ना, जो इसमें नॉर्मल स्लाइन और सीरम का मिक्सचर है, उन दोनों का मिक्सचर इसमें डालना है। फिर इसका जो मिक्सचर है इन दोनों का, वो हम इसमें डालेंगे, इन दोनों का मिक्सचर इसमें डालेंगे, ऐसे डालना है। ठीक है, तो मतलब सीरम हमें सिर्फ पहली ट्यूब में डालना है, फिर उसके बाद मिक्सचर डालना है, और नॉर्मल स्लाइन हर एक ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, ये ट्यूब का डाइल्यूशन तैयार हुआ है सिर्फ। अब आगे का प्रोसीजर क्या करना है, हमें VDRL स्लाइड ही लेनी है, जैसे पहले स्लाइड ली थी ऐसे, उसके 6 बॉल्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दो और ले लेते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल। ठीक है, तो अब ये जो 6 वोल्ट्स है, अब जो डाइल्यूशन तैयार किया था, देखो जो हम ये मैं बाद में बता दूंगी, या फिर ये साथ साथ बता ही देती हूँ कि टेस्ट ट्यूब लेनी है 6, उनको लेबल कर लेंगे 1 to 6,
फिर उसके बाद 0.1 ml पहले वाले ट्यूब में इनएक्टिविटी सीरम डालेंगे, जो अदर कॉम्प्लीमेंट्स उसमें प्रेजेंट ना हो वो डालेंगे, और फिर उसमें ऐड करेंगे 0.1 VDIL बफर सॉल्यूशन, या फिर हम NS भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्लाइम भी, ठीक है। फिर उसके बाद 0.1 ml हमें क्या करना है, एक्टिवेटेड जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, मतलब बफर सॉल्यूशन का और जो सीरम सैंपल का जो हमें सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसका, उसके पहले ट्यूब में से उठा के दूसरी ट्यूब में डाल देंगे, और 0.1 ml VDIL बफर सॉल्यूशन डालेंगे, या फिर NS डाल सकते हैं नॉर्मल स्लाइन, और उनको मिक्स कर लेंगे। इसी तरह ये प्रोसीजर 6 ट्यूब तक करेंगे, और इनका डाइल्यूशन 164 डाइल्यूशंस हो जाएगा, मतलब वन पार्ट तो उसमें सीरम रहेगा लास्ट वाले में, और 64 पार्ट उसमें NS रहेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 0.05 ml डाइल्यूशंस जो तैयार हुआ था हमारी 6 ट्यूब में, जो 6 ट्यूब थी उसमें जो डाइल्यूशन तैयार हुआ था उसमें से, उन ट्यूबों में से 0.05 ml मतलब 50 μl हमें क्या उठाना है, कई बुकों में 0.05 ml भी दे सकता है, कई बुकों में 50 μl भी दे सकता है, वो डाइल्यूशन जो हमारी ट्यूब में तैयार हुआ था, ठीक है, जो ट्यूब में सॉल्यूशन तैयार हुआ था उस सॉल्यूशन में हमें 0.05 ml ही उठाना है, ठीक है। वो हम हर एक बॉल में डाल देंगे, पहले वाले ट्यूब का पहले में डाल देंगे, दूसरे वाले दूसरे में, तीसरे वाले तीसरे में, चौथे वाले चौथे में, पांचवी छठी, ये पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल, ठीक है। तो हमें इनमें डाल देंगे 0.05 ml, जो टेस्ट ट्यूब का डाइल्यूशन आया था 1:6 में, जो ट्यूब में वो ही हम बॉल में डाल देंगे जो लेबल कर रखा है 1:6 में, ठीक है। अब हमें देखो, अभी तक तो सिर्फ डाइल्यूशन तैयार हुआ है नॉर्मल स्लाइन के साथ, अब हम रिएजेंट भी तो डालेंगे ना, क्योंकि सीरम सैंपल में तो हमें एंटीबॉडी देखना है, पर हमें एंटीजन भी तो डालना पड़ेगा स्पेसिफाई, तो VDIL एंटीजन डालेंगे हर एक में एक एक ड्रॉप, ठीक है, जो 50 μl है वो हर एक में एक एक ड्रॉप डालेंगे, और जो ये स्लाइड है इसको रोटेट करेंगे, हम हाथ से रोटेट कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं रोटेटर से, 180 RPM पे, ठीक है, 4 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इनमें फोगुलेशन देखेंगे, अगर 6 वाले 2 में भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, फोगुलेशन शो हो रहा है, तो हाईर डाइल्यूशन तैयार करना पड़ेगा, मतलब कितने तक ये वैल्यू हाई आ सकती है, कितने तक ये वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है। तो 160 अगर हाई ज्यादा है तो, मतलब बहुत स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव है, तो 164 से भी ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूशन तैयार करना पड़ेगा, और जो ये टेस्ट ये रिपीट गया है टेस्ट का प्रोसीजर वो रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। फोगुलेशन हमें शो करता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर फोगुलेशन नहीं है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो VDIL जैसे कई कंडीशंस है उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, HIV की कंडीशंस में भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, तो इसलिए हमें जब क्वालिटेटिव वैल्यू जब पॉजिटिव आते हैं तो हम एक क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। ये इसका सिंपल एंड नॉर्मल प्रोसीजर था। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।